एक बार फिर से इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज वाइब्रेंट समिट में नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ हुई और नरेंद्र मोदी ने कहा कि ज्ञान आधारित रणनीतिक साझेदारी के जरिए उद्योग और समाज की आमदनी बढ़ाई जाए, इस पर सरकार का जोर रहेगा। रुझान जी हमारे साथ बनी हुई हैं, साथ ही दीक्षित भी हमारे साथ हैं। रुझान जी, इसको जरा आप थोड़ा और हमें डिटेल में समझाइएगा दर्शकों की सुविधा के लिए कि इसका मतलब क्या है और इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा गुजरात में। मैं समझाऊं, कोई भी लीडरशिप पोजीशन लेना होता है तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और जो लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा हटके थोड़ा आगे करना है ताकि पीछे वाला आपको फॉलो करे, इसको लीडरशिप पोजीशन कहते हैं। अब वन थिंग एश्योर्ड है कि अगर इंडिया आज तक आगे आई थी, अगर आपको याद दिला दूं, तो बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीइंग इन द सर्विस इंडस्ट्री, नॉट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी पिछले आपने अगर 5 या 10 साल से इंडिया का ग्रोथ देखा है तो पीपल आर नोइंग मोर इंडिया फॉर देयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मे बी बेस में अगर बीपीओ है, अभी केपीओ आया है, सो आज हमारा उस रीच से ग्रोथ है। लेकिन अब अगर हमें सेकंड बट द प्रॉब्लम अभी क्या है कि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रहा है। इंक्लूसिव ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो अर्बन वाले हैं वो आईटी में, सर्विस सेक्टर में जा रहे, काम हो रहा है, बट जो अपने रूरल वाले उसकी स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो उसको हर्ट हो रहा है, बिकॉज स्किल डेवलपमेंट नहीं है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को हर्ट होती है। सो दिस इज व्हाई और अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। बल्कि सो टू हैव इंक्लूसिव ग्रोथ पॉइंट ये किया स्किल डेवलपमेंट। अब अपने जो नॉलेज बोलो, इनोवेशन बोलो, रिसर्च बोलो, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे अपने सीएम ने एक आज बहुत अच्छी बात की, दो वी मिस्ड, गुजरात इज मिस्ड द आईटी बस, एक हकीकत है, वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। बट नाउ व्हाट ही हैज सेड कि वी आर नाउ इन द ईटी, ईटी यानी एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, इको टेक्नोलॉजी। ये हकीकत है कि वी आर ऑल बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग, हम सब द पूरा वर्ल्ड को प्रॉब्लम है और हो रहा है। अभी देख रहे हो इतनी बर्फ हो रहा है, सर्दी हो रहा है, वट एवर ऑल दैट। सो अब जो गुजरात इज नाउ गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी भी, उसको इनोवेशन करनी है एंड इट वॉन्ट्स टू लीड इट थ्रू दैट वे, जो बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं आपको सिंपल, बिकॉज आई एम वर्किंग इन दैट, दैट्स व्हाई। जैसे कि बायोमिमिक्री, अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे, बायोमिमिक्री इज वॉट यू, जस्ट एक सिंपल जल्दी से बताऊंगी कि बायो यानी लाइफ और मिमिक्री यानी इमिट करने का। जैसे कि अगर अपने लंग्स देखते हैं, अपने लंग्स क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, फिल्टर अरे ऑक्सीजन को फिल्टर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। तो दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो हम बायोमिमिक्री के थ्रू हम ये कहना चाहते हैं कि हम भी एक नेचुरल प्रोसेस, आफ्टर स्टडिंग आवर लंग्स, ह्यूमन लंग्स, हम ऐसा प्रोसेस करेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको हम पकड़ लेंगे और उस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के, जैसे कि जो एमिट होती है एनवायरमेंट में एमिट होती है, उससे अच्छा हम उसको अरेस्ट करेंगे, फिल्टर करेंगे और हम उसको लाइमस्टोन बना के हम उसको बिल्डिंग में यूज करेंगे। ये एक एग्जांपल दिया। सो दिस इज व्हाट न्यू टेक्नोलॉजीज अबाउट, दिस इज व्हाट बायोमिमिक्री भी अबाउट। सिमिलरली सो यू नो, आज की तारीख में लेटेस्ट अगर हम लोग के जो भी हमारी एक्टिविटी है, एवरीथिंग रिक्वायर्स एनर्जी, तो वी आर ट्राइंग टू डू टेक्नोलॉजी इनोवेशन। सो ये इस बार की अगर आज का अगर आपने शेड्यूल देखा हो तो आफ्टर द इनॉग्रेशन कम से कम 4 से 6 सेमिनार्स इसी पे टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पे हो रहा है। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग हैपन, जो मैं आपको कमिंग बैक टू द नॉलेज एंड इनोवेशन जो पार्ट, मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि यू विल हैव टू थिंक, अगर दूसरे स्टेट्स को भी आगे आना है तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ अलग थिंक करके, क्रिएटिव करके आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीक्षित, तब जैसा कि मैं समझ पाया, क्या इसको इस रूप में भी हम समझ सकते हैं कि चुनाव के पहले हमें याद है तमाम लोगों के द्वारा, विपक्षी दलों के द्वारा इस तरह के आरोप लगाए जाते थे कि गुजरात में ग्रोथ तो हो रही है लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही है। क्या नरेंद्र मोदी का सारा जोर अब इस इंक्लूसिव ग्रोथ पर रहेगा, ज्ञान आधारित जो रणनीति है उसके जरिए? दीक्षित आप लाइन पर हैं, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बताएं संदीप जी। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसा कि रुझान जी ने भी समझाया कि इंक्लूसिव ग्रोथ का जो मसला है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और अब आज जो नरेंद्र मोदी का जो भाषण था उसमें भी हमने इसका जिक्र सुना और वो ज्ञान आधारित जो रणनीति है उसके तहत होगा, ये एक नई चीज हमने इस समिट में सुनी है। क्या उसके जरिए नरेंद्र मोदी इंक्लूसिव ग्रोथ ना होने के जो आरोप लगते रहे हैं गुजरात के, उसका जवाब देना चाहते हैं, उसको कवर करना चाहते हैं? जी देखिए, जहां तक आरोप प्रत्यारोप का सवाल है, आप जानते ही हैं कि लगातार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विकास का जब वो मुद्दा उठाते हैं तब समूचे विकास के लेकर कई सारे सवाल उठते हैं। अब बात की जाए एंटरप्रेन्योरशिप की और खासतौर पर समूचे विकास की, तो कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट के जरिए इस बार का जो पूरा दारोमदार है इस ग्लोबल बिजनेस समिट का, उसमें खासतौर पर युवाओं को स्किल
उसके जरिए उनका विकास हो, उन्हें स्किल डेवलप उनमें की जाए, वही सबसे बड़ा उन्होंने आज इस बार फोकस रखा है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि रुझान जी ने भी बताया कि जिस तरीके से आईटी सेक्टर में एक अर्बन युवा होता है या जो शहर में रहने वाला इंसान होता है वह काफी विकास कर जाता है, लेकिन जो रूरल में या तो ग्रामीण इलाके में रहता है उसका उतना विकास नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट के जरिए भी उसको वो आगे लाना चाहते हैं, और आने वाले 5 साल में स्किल डेवलपमेंट का बहुत ही बड़ा उन्होंने यहाँ पर गुजरात में खासतौर पर प्लान किया हुआ है, जिसके जरिए युवाओं को स्किल डेवलपमेंट उनकी की जाएगी और जिसके जरिए उनको रोजगार मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, एक समूचे विकास का नारा और समूचे विकास का पूरा एक एजेंडा लेकर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी दीक्षित कि जैसा कि शुरुआत में भी हमने जिक्र किया था, नरेंद्र मोदी जब कोई आयोजन करते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ, जैसे इसका नाम था वाइब्रेंट गुजरात, अब ऐसा लग रहा है कि ये वाइब्रेंट मोदी हो गया। जितनी तारीफ आज हमने नरेंद्र मोदी की सुनी, और इसके पहले जो शपथ ग्रहण समारोह जब हुआ था उसमें भी हम जानते एक तरीके से उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, तमाम दलों के नेता वहां पर पहुंचे थे उन्हें बधाई देने के लिए। आज जो हमने नजारा देखा और आज जो बातें सुनी है, क्या उसको इस रूप में भी देखा जाए? देखिए संदीप, इस रूप में इस पूरे घटना को या तो इस ग्लोबल बिजनेस समिट को इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि 2003 से लगातार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बिल्कुल ही एक कोशिश रही है उनकी कि कहीं ना कहीं गुजरात को ग्लोबली नोन किया जाए, और खासतौर पर वाइब्रेंट गुजरात उन्होंने यह जो नाम दिया है, जिसके जरिए खासतौर पर वो मैं आपको बता दूं कि गुजरात की जो पारंपरिक त्योहार है उसी समय पर यह किया जाता है। मुझे याद है 2003 में जब किया गया तब उत्तरायण के समय ही खास किया गया था ताकि जो कल्चरल इवेंट्स है उसके जरिए लोगों को यहां पर खींचा जा सके और उसके बाद उनके साथ बिजनेस की B2B बात की जा सके, और नवरात्रि फेस्टिवल की भी इस तरीके से बात की जा सकती है। खासतौर पर टूरिज्म के क्षेत्र में भी उन्होंने इसी तरीके से विकास किया है। तो अगर बात की जाए उनके इस पूरे एजेंडे की और खासतौर पर ग्लोबल बिजनेस समिट की, तो कहीं ना कहीं वो कल्चरल तौर तरीकों के जरिए विदेश में बसे गुजरातीज हैं या तो फिर जो विदेशी बिजनेस डेलीगेट्स हैं उनको यहां पर आकर्षित करना चाहते हैं, और उसके बाद यहां पर कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं और किस तरीके से सरकार उनकी मदद कर सकती है और किस तरीके से राज्य सरकार और बिजनेस खासतौर पर बिजनेस डेलीगेट है या तो जो इंडस्ट्री है वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं, उन सारी चीजों पर भी चर्चा हो रही है। MOUs अब तक कई सारे साइन हुए, लेकिन आज मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में यह साफ किया है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो आने वाले समय में एक सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर उभर कर आ सकता है, और इसी वजह से उसी दिशा में वो खासतौर पर काम कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो गुजरात में सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया गया है जिसके जरिए कहीं ना कहीं ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। तो कहीं ना कहीं यह जो सारे रास्ते हैं वह कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को चुनौती देने के उद्देश्य के साथ किए जा रहे हैं। बिल्कुल रुझान जी, एज अ पॉलिटिशियन मोदी की जो छवि है, क्या उद्योगपति जब वहां पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सारी चीजें भी रहती हैं या फिर उनका फोकस सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट पे रहता है, सिर्फ अपने उद्योग पर रहता है? नहीं, एज अ वो ऑब्वियसली एज अ पॉलिटिशियन भी रहता है। अभी अपने जो दीक्षित जी बता रहे थे डेवलपमेंट की, विकास की बात, तो मेरे को थोड़ा उसमें कंफ्यूजन इसलिए मेरे को नहीं, बहुत लोगों को है कि आज तक हमें पढ़ाया गया था कि गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स, ठीक है, बट जो अभी फैक्ट्स आ रहे हैं, जो अभी बहुत कॉमन चीज अभी मैं बोल रही हूँ आपको कि जो सानंद में अभी तो बहुत डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे फार्मर्स करोड़पति बन गए, तो भी सानंद में BJP लॉस्ट इट्स सीट, या जो अभी कहते हैं कि इनके एग्रीकल्चर, वी आर टॉकिंग अबाउट 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ, 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ अदर जो बाकी इंडिया में बहुत कम है, 4% है, तो भी वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स लूज हार गए। इसलिए ये जो आप लोग मींस मैं खुद भी कंफ्यूज हूं कि इज दिस, ये सो दिस इज नॉट अ डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, दिस इज सम अदर पॉलिटिक्स। कमिंग बैक टू अभी आपका जो पहला क्वेश्चन था कि मोदी जी की तारीफ हुई, आपको एक लेट अस लुक इट अनदर वे अराउंड कि कोई भी कंपनी में, लेट अस से अगर मैं कंपनी की CEO हूं एंड इफ द कंपनी इज डूइंग गुड एंड इफ द CEO हैज अंडरस्टैंड्स मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, दो तीन टाइप के CEO होते हैं, एक CEO होता है जो इतना वो आउटगोइंग नहीं होता, दूसरा CEO हमारे मोदी साहब थोड़ा आउटगोइंग CEO है,
एंड ही अंडरस्टैंड ब्रांडिंग पैकेजिंग. यू नो आजकल ब्रांडिंग पैकेजिंग की जमाना है, बेसिक्स कहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है. यू नो सो व्हाई डोंट वी लुक एट इट दैट वे पॉजिटिवली कि जो बता रहे हैं, इफ द सीईओ और इफ मिस्टर मोदी इज बीइंग कांग्रेचुलेटेड फॉर दिस, थोड़ा ज्यादा होता है, बट दैट कम्स इन द वे ऑफ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. दूसरी मुझे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो कहनी है कि जैसे कि एज अ बिजनेसमैन हमको हमारे से दो चीज होती है एज अ बिजनेसमैन. अगर हमारे खुद के बिजनेस में हमें फायदा होता है तो हम समझते हैं चलो ये अच्छा बिजनेस है. लेकिन दूसरा अगर लेट अस से सम फिगर्स आर थ्रोन एट अस, जैसे कि आज मेरे को एक फिगर बताया गया कि इंडिया भर में एसएमई की ग्रोथ हुई 19%, लेकिन गुजरात में एसएमई की ग्रोथ हुई 85%. नाउ आई रियली डोंट नो ये फिगर सही है कि नहीं, बट इट इज सो गुड टू लिसन टू दिस फिगर. हमने तो कितनी जोर से ताली मारी कि 85% एसएमई की ग्रोथ है. नाउ इट इज योर जॉब. आई एम नॉट अ एनालिस्ट. जैसे कि अगर मुझे अगर कहा जाए कि भाई ये 10 ओवरब्रिज बना है तो मैं गिनूंगी क्या एक ओवरब्रिज, दो ओवरब्रिज, 10 ओवरब्रिज. लेकिन अगर तुम बोलोगे कि रुझान इस ओवरब्रिज में इतना टन सीमेंट लगा, इतना टन वो लगा है, तो वो मुझे एज अ लेमन नहीं पता चलेगा. तो वो आप लोगों को जो सत्य है या एनालिसिस है वो यू पीपल शुड टेक आउट. अदरवाइज इट्स ऑलवेज अ गुड फैक्टर कि एसएमई 85% वाह वाह गुजरात जैसा कोई स्टेट ही नहीं है. सो दैट्स अ फैक्ट. सो वी ऑल आर हैप्पी. बिल्कुल रुझान जी, आप बातचीत आपसे और लंबी हो सकती है लेकिन दरअसल वक्त इजाजत नहीं दे रहा. बहुत शुक्रिया आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए. दीक्षित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए. तो गुजरात में वो पोटेंशियल है, गुजरात में वो बात है, वाकई वो बात है, तभी वहां पर उद्योगपति आते हैं और न सिर्फ आते हैं बल्कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की खुले दिल से तारीफ भी करते हैं. और ये सिलसिला पिछले कई सालों से हम देखते चले आ रहे हैं. इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही.